هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो बात करते हैं गाइस ये वाले मैच की। तो गाइस ये वाले मैच के एंड में गाइस मेरी जो रैंक है वो टॉप 500 के अंदर आ चुकी थी और हमें कॉन्करर मिल चुका था। और बात करें गाइस कॉन्करर की, तो ये सीज़न गाइस मैं 3 से 4 बार कॉन्करर में जा के वापस आ चुका हूँ। और हैकर की वजह से गाइस माइनस होता है तो कोई ना, वो चलता रहेगा। चलिए बात करते हैं गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस मैं आराम से यहाँ पर होल्ड कर रहा था कि इतने में यहाँ पर एक बंदे ने पुश कर दिया। और यहाँ पर गाइस ये बंदा स्कैम करने के फुल मूड में था। वो स्टार्टिंग में मुझ पर जंप करता है और उतने में फिर नेड भी करता है। तो यहाँ पर मुझे आइडिया आ चुका था कि ये बंदा स्कैम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं मीटअप वगैरह से कोई सीन नहीं रखता हूँ और सीधा इसे मारने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस इस बंदे ने ट्राई तो अच्छा किया था स्कैम करने का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसे हम एकदम इजीली मार देंगे। और इसे मारने के बाद इसमें फटाफट अपने आप को यहाँ पर हील कर लेता हूँ। अब वहाँ से गाइस मैं अपनी लूट कंप्लीट करके सीधा जोन के मिड में आता हूँ थोड़े से किल्स वगैरह के लिए। और फिलहाल के लिए ये कंपाउंड जोन के मिड में था। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि लाइक यहाँ पर कोई बंदा होल्ड या फिर कैंप ना कर रहा हो, तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा यहाँ से किल्स निकालने के लिए। और लकीली गाइस यहाँ पर कोई था नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं होल्ड करता रहता हूँ कितने में यहाँ से एक डार्सिया निकलती है। अब यहाँ पर गाइस इस बंदे को मरने को ज़्यादा ही जल्दी थी। लाइक इसने मेरे कंपाउंड के पास से 3 बार राउंड मारा और उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आराम से होल्ड करता हूँ कितने में बंदा गाइस यहाँ पर ओपन में ट्रिप आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं वेट करता हूँ वो बंदा ओपन में निकले और उसे हम इजिली मार देंगे। और यहाँ पर गाइस इस बंदे ने ये गलती की, सबसे पहले तो इसे ओपन में नहीं आना चाहिए था और उसके बाद ओपन में आने के बाद ये वापस से ओपन में आया तो उसे हम एकदम इजीली मार देंगे। अब उसे मारने गए तो जोन तब हम पे था नहीं, तो वापस से मैं सीधा जोन के मिड वाले कंपाउंड पे चला जाता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल जोन का मिड था तो सीधा मैं इस कंपाउंड पे पुश कर देता हूँ। अब फिलहाल के गए इस डबल स्टोरी में कोई था नहीं, तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा कवर मिल चुका था। बट गाइस यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकने के बाद मुझे मेरे जो सामने डबल स्टोरी है वहाँ से एक बंदे का फुट का साउंड आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि चलो अब इस बंदे पे पुश किया जाए और इसे मारा जाए। तो गाइस अभी आप देखना हम इस बंदे को किस तरह मारेंगे। अब यहाँ पर गाइस इसको हम अपने मौले के थ्रू इजीली मार देंगे। और लकीली गाइस अच्छा हुआ मैं ऊपर नहीं गया, बिकॉज मेरे मौले के थ्रू यहाँ पर गैस कैन भी जस्ट ब्लास्ट हुआ। अगर मैं ऊपर होता तो गाइस यहाँ पर मेरा गेम भी ख़त्म था। अब उसे मारने गाइस मैं आराम से यहीं पर होल्ड करता हूँ बिकॉज हम जोन के एच पे थे। और इतने गाइस मुझे लेफ्ट साइड से एक US का साउंड आता है, तो जस्ट यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे स्प्रे लेता हूँ। और अगर गाइस आपको ये वाला किल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब उसे माने गए इसमें फिलहाल के लिए यहीं होल्ड करता हूँ और जस्ट वेट करता हूँ कि लाइक जोन के एच से कोई भी बंदा आ रहा हो तो उसे मारा जाए। कितने में गए यहाँ पर मुझे एक सांप दिख जाता है और उसे हम एकदम इजिली मार लेंगे। और फिलहाल के लिए गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो भी हम पर ही था। तो यहाँ पर मैं जो जोन के ओपन एरिया है उसमें बंदे ने स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ।
अब यहाँ पर गाइस मैंने इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, बट फिलहाल के लिए ये इस पत्थर के पीछे चला जाता है और इसे एक अच्छा खासा कॉर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ और फिलहाल के लिए यहीं होल्ड करता हूँ। कितने में गाइस मेरे राइट में एक बगे का साउंड आता है और यहाँ पर इस बंदे ने भी गाइस हम पे पुश कर दिया था। तो यहाँ पर मैं एडीएस ऑन करके जस्ट इसका वेट करता हूँ ताकि ये ओपन में आए तो इसे मार दूंगा, बट ये बंदा ओपन आता नहीं है। और इतने में जैसे गाइस मैं नेड करने जाता हूँ, कितने में ये बंदा ओपन से रोटेट मार लेता है हमारे कंपाउंड की तरफ और हमारे कंपाउंड में एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर गाइस हमारी फाइट मोस्टली होती नहीं है बिकॉज वो बंदा नीचे होल्ड करता हूँ और मैं ऊपर, और इतने में गाइस जो जोन था वो हमसे कट चुका था। तो यहाँ पर मैं जो ऊपर राइट साइड में बग्गी वाला बंदा था उसका बग्गी का टायर फोड़ देता हूँ ताकि वो रोटेट न मार सके, और मुझे जोन में जाने के लिए गाइस इस नीचे वाले बंदे को मारना पड़ेगा बिकॉज जो जोन था वो मुझसे 4 मीटर दूर था। तो यहाँ पर मैं इस बंदे भी थोड़े से नेड्स वगैरह ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मेरे पहले नेट से इसे अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका था, तो यहाँ पर मैं एक और नेट ट्राई करता हूँ और लकीली गाइस हमारा नेट एकदम परफेक्ट होता है और ये बंदे के लिए मुझे एकदम इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस मैं फटाफट स्मोक्स वगैरह उठा लेता हूँ और नेट्स वगैरह, बिकॉज जो जोन था वो ओपन में बनने वाला था और मुझे स्मोक्स की जरूरत बिल्कुल थी। इतने में गाइस जो सामने वाला बंदा है उसने भी एक बंदे को मार दिया, तो यहाँ पर गाइस हमारी 1v1 फटने वाली है। तो मैं फटाक से यहाँ से बगी निकलता हूँ और सीधा जोन में एंटर करता हूँ, और फिलहाल के लिए ये वाला कवर मेरे लिए एकदम बेस्ट था तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब जो नेक्स्ट जोन था गाइस वो हमसे कट चुका था और मुझे जोन में भी एंटर करना था, और जो सामने वाला बंदा था गाइस वो जोन के अंदर था। तो गाइस उस बंदे को हम किस तरह मारेंगे और चिकन लेंगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।